जी 200 लोग तो उसमें हैं, उसमें से अधिकांश लोग संघ के पृष्ठभूमि के लोग जी, कुछ कार्यकर्ता हैं। 1985 से हमने काम शुरू किया संघ में, लगातार काम किया। जिस काल में कांग्रेस सरकार का बोलबाला था मध्य प्रदेश में 2003 तक, हमने संघर्ष किया। बीजेपी को हम लोगों ने, हमारी 3 पीढ़ियों ने मदद को सींचा बड़ा किया। टाइम राष्ट्र जागरण मंच था वो बना, फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, जेल गए, वो मामला निपटा, हमारे सब कार्यकर्ता उसमें बरी हुए। इस बीच व्यापम घोटाला बड़ा प्रदेश में हो गया। सब आप यूथ हो, आपको तो पता है, आप भी यूपीएससी दे चुके हैं आप लोग। तो उस टाइम दौरान बड़ा भारी संकट था कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। पीएमटी में, पीटी में, हर जगह तो कोई 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए दे के सिलेक्शन हो रहे थे। हमने उस व्यापम घोटाले के लिए एक संघ समिति बनाई और प्रदेश के हर जिले में हम लोग घूमे उस मुद्दों को लेके। मिजोरम में एक ब्रू रियांग जनजाति, उस रियांग जनजाति वो हिंदू जनजाति थी, वो मिजोरम बाकी तो ईसाई बन चुके पूरे। 1997 उस जनजाति को वहाँ के मिजोरम के ईसाई लोगों ने पूरा उनको देड़ के भगा दिया। 1997-98 से लेके तो 2019 तक वो रिफ्यूजी कैंपों में एक बांस के मकानों में रह रहे थे त्रिपुरा में। और हमारी जो मांगे थी 6, उन्होंने अक्षरशः उसी पढ़ दी मांगे पूरी। हमारे गृहमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने लोकसभा में बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, कैंपोरे लोगों को फिर से बसा रहे, उनके सब मांगे, उनके लिए मकान, उनके लिए 6 आवास, उनके लिए लोन, उनके लिए सब सुविधाएं देंगे हम। आज वो 5 जिलों में बसे हैं पूरे त्रिपुरा में। कि ओंकार पर्वत एक पवित्र पर्वत है, तो काफी लोगों को ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश में तो बड़ी उसकी आस्था है। निमाड़ के लोग उधर पाँव करके सोते नहीं, उधर लोग उस पर लोग नंगे पर चलते हैं। अमावस्या को वहाँ इतनी जगह मिलती नहीं, भीड़ती रहती है। उस पर्वत पे नदी के बीच में हो पर्वत नर्मदा मैया के, तो उसको छोड़ दो, हमने कहा ये मूर्ति लगा दो, बाहर लगा दो, कहीं सामने लगा दो, मोटक का है, खेती घाट में लगा दो, ये इस पवित्र स्थान को छोड़ दो। 2008 से लेकर 2023, 15 साल बाद विचार किया कि अपने को अब एक राजनीतिक मंच बनाना चाहिए। राजनीतिक मंच बन जाएगा तो शायद हमारी बात, शायद क्या, सुनी जाएगी। निर्णय हमने किया और 10 सितंबर को अभी 1.5 महीने पहले हम लोगों ने इस नई पार्टी की स्थापना की। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष बड़ोत जी, जो हैं संस्थापक सदस्य जनहित पार्टी। जी हाँ, जनहित पार्टी ये मध्य प्रदेश की नई पार्टी बनी है। और चूंकि डॉक्टर साहब आरएसएस के सदस्य रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, और इसमें आरएसएस में उन्होंने काम किया है, और आरएसएस को अलग हट करके जनहित पार्टी का गठन यहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये नई राजनीतिक दल है। आज उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। और दूसरा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनहित पार्टी का उद्देश्य क्या है? जनहित पार्टी हम लोग बेसिकली किस तरीके से जनहित पार्टी को लेंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस का एक ऑप्शन मध्य प्रदेश में आया है। देखिए, हम लोग जो इसके संस्थापक सदस्य हैं जी, 200 लोग तो उसमें हैं, उसमें से अधिकांश लोग संघ के पृष्ठभूमि के लोग जी, कुछ कार्यकर्ता हैं। प्रचारक अभय जैन हैं, मनीष जी काले हैं, विशाल बिंदल जी हैं, हम लोग कार्यकर्ता संघ के। और 1985 से हमने काम शुरू किया संघ में, लगातार काम किया। जिस काल में कांग्रेस सरकार का बोलबाला था मध्य प्रदेश में 2003 तक, हमने संघर्ष किया। बीजेपी को हम लोगों ने, हमारी 3 पीढ़ियों ने मदद को सींचा बड़ा किया। हमारे दादा से लेकर तो पिताजी से हम लोग सब लोगों ने, हमारे बच्चे ने भी सहयोग किया, सहा गया आपको कार्यकर्ता। लेकिन 90-70 जाना शुरू हुई तो उसे लगा कि सत्ता के बाद हम लोगों ने संघ में रहना थोड़ा, हमको थोड़ा सा असह्य होने लगा हमारे लिए। 3 के बाद 3, 4, 5, 6 में हम लोगों ने संघ का सक्रियता से काम किया। 8 में एक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, तेलंगाना में जो पास में बस्ती मापी, जहाँ एक दंगइयों की भीड़ ने अमरनाथ यात्रा के प्रतिबंध के विरोध में एक आह्वान था बंद का, विश्व हिंदू परिषद का। उस बंद के आह्वान में मुस्लिम बस्ती के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, मारा पीटी हुई, विवाद बढ़ा।
थाने चले गए वो लोग, थाने में उन्हें आग लगाई वाहनों को, थाने से फायरिंग हुई, उसमें कुछ मुस्लिम मारे गए, भीड़ थाना गांव भीड़ गल गई वो गांव में, फिर वो भीड़ ने आतंक मचाया, फायरिंग हुई, उसमें कुछ मुस्लिम मारे गए जो दंगाई थे। उस मुद्दे पे फिर एकदम पूरे देश में न्यूज़ थी वो तो पूरी, उस टाइम में संघर्ष का कार्यकर्ता था जिले का। तो आज के बाद हमारा इस मुद्दे पे संघ से काफी मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, तब तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आ चुकी थी, 1 साल हो चुके, 1 साल 2004 में 3 5 साल हो चुके, नई टर्म शुरू मतलब चुनाव होने वाले थे, अगले चुनाव होने वाले थे, पर वो जब लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं का निकालना बहुत मुश्किल है शासन में, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, जनता में जाना पड़ेगा, तो हमको फिर संघ संघायित मुक्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, संसद में रहते रहो। 2008 में हमारे फिर एक, तब तक मनीष जी काले दायित्व मुक्त होकर आ चुके थे, 2007 में रीवा भाव चरक से, अभय जी ने सिक्किम भाव चरक से दायित्व मुक्त होकर आ चुके थे। ये घटनाक्रम सबके लिए बड़ा एकदम वो रहा, शॉकिंग रहा कि क्या करें हम लोग। फिर एक भारत की तरक्षा अभियान टाइम राष्ट्र जागरण मंच था वो बना, फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, जेल गए, वो मामला निपटा, हमारे सब कार्यकर्ता उसमें बरी हुए। फिर वो अभियान चलता रहा था। उसके बाद में मालेगांव ब्लास्ट केस शुरू हो गए, ये जब सोमेधक एक्सप्रेस ब्लास्ट केस हो गया, अमृत ब्लास्ट केस हो गया, फिर हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें समस्या में आ गए, उनके लिए फिर संघर्ष हमने सड़क पे किया, लगातार हम उनके लिए उनकी सहायता भी किया, संघर्ष भी किया, वो दूर से गुजरे हों। तो 2008 से 2013 तक तो उसमें हम लोग लगे रहे। इस बीच व्यापम घोटाला बड़ा प्रदेश में हो गया, आप सब आप यूथ हो, आपको तो पता है, आप भी पीएससी दे चुके हैं आप लोग, तो उस टाइम दौरान बड़ा भारी संकट था कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, पीएमटी में पीटी में हर जगह तो कोई 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए दे के सिलेक्शन हो रहे थे। हमने उस व्यापम घोटाले के लिए एक संघ समिति बनाई और प्रदेश के हर जिले में हम लोग घूमे उस मुद्दों को लेके कि भाई ये तो बड़ा घोटाला हो रहा है, पीएमटी पीटी सरकार से लेके कहीं सेंट्रल बॉडी बनाए या कुछ, उसको व्यापम बंद कर दो, आप कोई नई बॉडी बनाओ उसकी पारदर्शी काम। उसके लिए हमने धरना दिया, भोपाल में गिरफ्तारी दी, जंतर मंतर दिल्ली हम लोग गए, 1 लाख लोगों को साइन करा ज्ञापन सरकार को दिया हमने, सरकार ने हमारी सुनी नहीं, किस्मत से हाईकोर्ट को हम लेटर लिखे, हमने 1000 लेटर लिखे, इसकी जांच कराओ, एसआईटी बनाओ, उसकी उसकी निगरानी आप करो, वो बात हाईकोर्ट ने मान ली, हाईकोर्ट निगरानी में वो जांच चली, वो अभी भी 1000 लोगों को हो रही है उसमें, एक मंत्री महोदय भी उसमें जेल गए, अब रहे नहीं वो मंत्री महोदय भी। 2014 में हमने ये किया, तो पर्यावरण के लिए काम किया बीच में हम लोगों ने, इस बीच में 2019 में त्रिपुरा रियांग में जनजाति है, मिजोरम में एक ब्रू रियांग जनजाति, उस रियांग जनजाति वो हिंदू जनजाति थी, वो मिजोरम बाकी तो ईसाई बन चुके पूरे, 1997 में उस जनजाति को वहाँ के मिजोरम के ईसाई लोगों ने पूरा उनको देख के भगा दिया। 1997 से लेके तो 2019 तक वो रिफ्यूजी कैंपों में एक बांस के मकानों में रह रहे थे त्रिपुरा में, पता नहीं कैसे एक संयोग की बात थी कि बच्चों को यहाँ पे एक संस्था है नेपाल सेवा, स्वामी जी ने बच्चों को लाके पढ़ाते थे, 10 बच्चे लेके आते हर साल उनको पढ़ाते थे, बच्चे हमारे संपर्क में आ गए, उन बच्चों को हमने भी कुछ सहायता करना शुरू कर दी, उन्हें हम गाँव ले गए राखी पे दिवाली पे, बच्चों का इतना खर्चा मार के वो जाते नहीं गाँव अपने, नहीं रहते थे आगे, एक बार तो आगे बंद कर दिया, 6ठी 5वीं आते थे वो लोग, तो उस उन बच्चों के लिए हमने स्वामी बोले कि अभी जी उनकी मुलाकात हुई एक मेरे बेटे के विवाह कार्यक्रम में, स्वयं की बात है, कब तक इन बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ तो हजारों बच्चे ऐसे हैं 20 22 साल से पढ़े हो, तो एक पीढ़ी पूरी युवा हो गई पड़ी पूरी, सरकार उनको देती है 1 किलो चावल और 5 बार रोज उनके लिए व्यवस्था, उस व्यवस्था में कब तक दिन दिन निकालते हो। तो हम लोग फिर यहाँ से गए, उनको देखा समझा, फिर हम लोग आंदोलन चलाया उनके लिए, फिर सामने साइन कराया लोगों से 1 लाख उनको वापस बसाने के लिए, हम लोग जंतर मंतर धंधा देने गए, व्यापम में गए जंतर मंतर, फिर दोबारा जंतर मंतर करो, 120 लोग हमारे निजी खर्चे से त्रिपुरा अगरतला गए, दिल्ली से हवाई जहाज 120 लोग अगरतला में हमने धरना दिया, गुवाहाटी धरना दिया हमने, फिर हम आइजोल तक गए धरना देने के लिए, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए घटनाक्रम पूरा हो गया, सरकार का कोई बिल्कुल इसमें दबाव नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं सरकार सुनने में हमारी बात को,
जबकि संघ का प्रस्ताव था अगली बार तिब्बत में कि उनको वापस बसाया जाए, इंटरव्यू का प्रस्ताव संघ का ही कि उनको बसाया जाए वापस। अरे वो तो ऐसे ही लोग हैं, मुश्किल है, कुछ सुनता नहीं हमारी। तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आ चुके थे। फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग 5,000 ब्रूनियांग लोगों को दिल्ली लेके आएंगे 7 दिन के लिए धरना देने के लिए। और हमने एक ट्रेन, दो ट्रेन बुक करने के हमने आवेदन कर दिया है गुवाहाटी से, 80 लाख रुपये जमा करने के बाद करेंगे। तब हलचल मची फिर, क्योंकि बड़ा कोई आंदोलन होने वाला है। तब तक ब्रूनियांग लोगों को हिम्मत आ गई कि यार ये लोग तो हमारे लिए कहाँ से, हमारे लिए आ गए ये लोग, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ त्रिपुरा। तुमको लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, लगातार आंदोलन किए उन्हें, अगरतला और वो उनका हाईवे जाम कर दिया वहाँ पर। उन लोगों ने संयोग से वहाँ की लोकल स्थानीय पार्टी के साथ आ गई, उन लोगों के उनके पक्ष में आ गई, क्योंकि ब्रूनियांग जनजाति मिजोरम में है, त्रिपुरा में, फिर वहाँ का राजा था, त्रिपुरा को साथ बन गया उन लोगों के। तो इस तरह से पूरा माहौल उनके पक्ष में बन गया और सरकार ने समस्या को साल पहले फरवरी 20 में हमारे जो मांगे थी 6, उन्होंने अक्षरशः ऐसी पढ़ दी मांगे पूरी। हमारे गृह मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने लोकसभा में बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, कि हम पूरे लोगों को फिर से बसा रहे हैं। उनकी सब मांगे, उनके लिए मकान, उनके लिए 6 आवास, उनके लिए लोन, उनके लिए सब सुविधाएं देंगे हम। आज वो 5 जिलों में बसे हैं पूरे त्रिपुरा में। तो कितनी छोटी बात थी उनके लिए, तो बड़ा खर्चा नहीं था उसमें। लेकिन 19 साल तक, लेकिन वो लोग 22 साल तक वो लोग भटकते रहे कि कोई कोई उनके लिए आंदोलन करे, लेकिन वोट की तो ताकत बात आई, तो फिर वहाँ समस्या हल हुई। ओंकारेश्वर मुद्दे पर हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया कि ओंकार पर्वत एक पवित्र पर्वत है, तो आप लोगों को ध्यान में होगा मध्य प्रदेश में तो बड़ी उसकी आस्था है। निमाड़ के लोग उधर पाँव करके सोते नहीं, उधर लोग उस पर लोग नंगे पर चलते हैं, अमावस्या को वहाँ इतनी जगह मिलती नहीं, भीड़ती रहती है। उस पर्वत पे नदी के बीच में हो पर्वती नहीं, नर्मदा नहीं आके, तो उसको छोड़ दो। हमने कहा ये मूर्ति लगा दो, बाहर लगा दो, कहीं सामने लगा दो, मोटर का है खेड़ी घाट में लगा दो, ये इस पवित्र स्थान को छोड़ दो, यहाँ बहुत भीड़ रहेगी और बहुत इसका पवित्रता खत्म हो जाएगी। सरकार नहीं मानी, हमने 1,00,000 साइन करा के वापस सबको ज्ञापन दिया, जेल गए, धरने दिए, ओंकारेश्वर, इंदौर, खंडवा, भोपाल गिरफ्तार दी, कोई नहीं सुना किसी ने। आज वो मूर्ति, अब वहाँ हेलमेट बनेगा, म्यूजियम बनेगा, बड़ी बड़ी पार्किंग बनेगी। उस पहाड़ का क्या होगा भविष्य में, जो धरोहर लाखों साल से थी, लगता 1,000 साल में वो खत्म है, क्योंकि तो डैम चिपका पहाड़ से, वो डैम उसको पहाड़ को तोड़ रहा है, इधर मूर्ति है, इतना प्रेशर है, होता 1,000 साल लगता है, ओंकारेश्वर का नाम ही पर्वत को देख नहीं पाएंगे। तो इन बातों को लगा रहा है कि अब हम लोग कब तक सरकार से खाली आवेदन देते रहे, धरने देते रहे और हमें सुने नहीं। तो लोकतंत्र में एक बड़ी ताकत है, राजनीतिक ताकत, वोट की ताकत से चलते सरकार, ये ध्यान में सबको आई गया। 15 साल में, 2008 से लेकर 2023, 15 साल बाद विचार किया कि अपने को अब एक राजनीतिक मंच बनाना चाहिए। राजनीतिक मंच बन जाएगा तो शायद हमारी बात शायद क्या सुनी जाएगी। निर्णय सबने किया और 10 सितंबर को अभी 1.5 महीने पहले हम लोगों ने इस नई पार्टी की दस सितंबर 2023 को। जी, तो जैसे आपने पूरा आपका जो यात्रा थी आपने बताई और फिर इस यहाँ पर गठन हुआ, तो अभी ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्या वो अपने हमारे आवेदन कर यहाँ? दिया है, जी प्रक्रिया लगती होंगी उसमें, अच्छा वो चलेगी। जी, तो जनहित पार्टी के वर्तमान में चूंकि अब चुनाव अनाउंस हो गए हैं और अब शायद अब तो फॉर्म भराना भी चालू हो गया है, तो जनहित पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश पार्टी का मतलब। समर्थन रहेगा लाएगा प्रत्याशियों को, क्योंकि उसका अच्छा रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो जी, समर्थन पार्टी का रहेगा, बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे। निर्दलीय पूरे 230 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? पहली सूची हमने जारी की 8 लोगों की, जी 8 जगहों से, सतना, रीवा, ग्वालियर, भिंड, इंदौर से 2, 4 और 5, शाजापुर, एक अपना सोनसर, छिंदवाड़ा, 8 सीट अच्छा, लेकर अभी की, 8 सीट। और लगातार 8-10 सीटें भी और संभावना जी, है, हो जाएंगी। तो चूंकि आप आरएसएस या संघ की विचारधारा से हैं और संघ की विचारधारा में अब भारतीय जनता पार्टी भी कार्य करती है या संघ का समर्थन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहता है, तो क्या आपको भी रहेगा क्योंकि आप तो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं?
तो आपकी पार्टी को भी संघ का समर्थन रहेगा? संघ का तो एक उद्देश्य है जी जो मुझे समझता हूँ कि संघ देश की राजनीति हिंदुत्व के झंडे पर चले और संघ उसमें काफी तक सफल है, और चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से साथ उसके एजेंडे के है, बाकी पार्टियों ने कम से कम उन मुद्दों पे अब मुखर विरोध करना बंद कर दिया है। राम मंदिर हुआ, ये गोरक्षा हुई, या कॉमन स्कूल कोड हुआ, एकदम उस पर एग्रेसिव मोड में नहीं आते हैं। इतना तो एक बदलाव आ गया है कि अब मतलब भारतीय जनता पार्टी अफेंस में रहती है उसमें मुद्दों पे, बाकी जी पार्टियां डिफेंस में रहती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के जो सिद्धांत हैं वो एकात्मानवाद दीन दयाल से कोई अंतर कुछ अंतर नहीं है। अंतर इतना केवल है कि कांग्रेस की जो कार्यशैली थी वो तो हमेशा से देश के अनुकूल नहीं थी, लेकिन बीजेपी कार्यशैली में भी कांग्रेस का गुण होना शुरू हो गया। तो कार्यशैली के लेवल पर दोनों पार्टी में कोई अंतर नहीं। सर, जैसे मैं आ रहा था तो एक इंटरव्यू देख रहा था, अभय जैन जी जो आपके संयोजक हैं, तो उन्होंने कहा था कि कल्चर चेंज करना है हमें राजनीति। किस तरीके से कल्चर आप चाहते हैं भारतीय राजनीति में? इस तो इसमें जो राजनीति में जो एक तो बड़ा दिखावा, बहुत खर्चा, बहुत तामझाम, उससे अगली बात क्या हुई, राजनीति में फिलहाल जो नेतृत्व करता है वो मतलब ये एक गुंडे तत्व बोले, उनका सहारा लेते लेते गुंडे तत्व तो खुद ही राजनीति में हावी हो गए। और इस मामले हम पढ़ते हैं रिपोर्ट कि इतने सांसद से विधायक, इतने लोग क्राइमिनल रिकॉर्ड के हैं, तो अपराध के चल रहे हैं, इतने के चल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए है कि सब पार्टियों ने उन लोगों को मतलब उनका यूज करते करते उनको अब सीधे ही राजनीति में उतार दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात, उसको हम बदलना अच्छा, चाहेंगे। तो आप में और दूसरी पार्टियों में अंतर क्या आप देखते हैं? मतलब आप किस तरीके से अंतर स्थापित करेंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे कि हम में और दूसरों में बहुत अंतर है, अलग अंतर? जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं भैया, अब और ज्यादा मिलना हो रहा है, तो राजनीति एक बड़ा सामाजिक आंदोलन है, एक बड़ा सरकार, बड़े एनजीओ है जो सरकार समस्या को हल करने के लिए, तो लोगों को तो अब एक विकल्प की आवश्यकता है, और यदि और हम कोशिश करेंगे उसका अच्छा विकल्प यहाँ पर दे पाए, क्योंकि चार जगह एक टेस्टिंग का होता है कि सरकार के कामकाज का। यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा एम्बा अस्पताल जो इस प्रदेश का एक बड़ा अस्पताल है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जहाँ से MBBS किया मैंने, जहाँ से डिप्लोमा किया, PG किया, 80 से 88 में रहा हूँ मैं, 8 साल मैंने उसमें काम किया है, और लगता है कि 8 साल मतलब 80 से 88 और 2023 तो ढरा बिगड़ा ही है, मतलब उसका सुधरा नहीं है। मतलब रात को 2 बजे क्या था मैं परसों वहाँ पे, हमारे कार्यकर्ता भर्ती हुए थे, तो वही सिस्टम पूरा और खराब हालत हो गई। नंबर 2, आप RTO चले जाओ, RTO में 20 साल पहले की स्थिति हुई थी, आज वो स्थिति हुई है। आप चले जाओ नगर निगम, चले जाओ नगर निगम, चले जाओ तो नगर निगम कोई भी काम आप चाहो कि आसानी से हो जाए, तो मुझे लगता नहीं कि आसान हो जाएगा। कलेक्टर कर ले जाओगे आप तो हमें कोई काम ऐसे नहीं, आसानी से हो जाएगा। तो 3-4 जगह टेस्टिंग की अपनी जो है, ये सरकार बदली मतलब क्या बदला, आम आदमी का जो ये सुविधाएं हैं आसानी से मिल जाए, इसी में आदमी लगा रहता है, ये फॉर्म भरना, ये आपत्ति लगाना, इसको आज क्लियर करना। अगली बात हमारी शिक्षा व्यवस्था, सरकार की शिक्षा व्यवस्था के तौर आंकड़े हम देख रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार भी है लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षा जगह तो बिल्डिंग नहीं है, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन 70 सालों में हम लोग अच्छी चीज, दो अच्छी चीज दे नहीं पाए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो हर एक आवश्यकता है, और हमारे परिवार का बड़ा खर्चा यही हो रहा है आज बच्चों की पढ़ाई में और कोचिंग क्लास में और फिर हमारी ये इलाज में, तो इससे कहाँ बच के जाएगा आदमी। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा देश युवा है, आपकी पार्टी में युवाओं को लेकर के कुछ अलग योजना है क्या? क्योंकि युवा पूरे देश में, अपने देश में और प्रदेश में काफी मतलब आज स्थान के रूप में अगर देखें तो 50% से ऊपर रेशो युवाओं का है। उनके लिए कोई उद्देश्य या कुछ योजना आपने बनाई? अपनी पार्टी में तो युवाओं को लिए ही पूरा स्थान है, हम लोग तो बाय डिफॉल्ट हमको रहना पड़ेगा, हम लोग अभी संस्था वाले हैं, तो हमारी उम्र तो 60 ईयर्स की हो गई है,
लेकिन हमारे पास युवाओं की अच्छी टीम है और हम भविष्य में उन्हें मौका देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं पे से समाज तो अच्छा जो ऊर्जा मिलेगी नेतृत्व तो मिलेगा, इससे हम सहमत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष बड़ोर जी, और जिनसे हमने बात करी जनहित पार्टी के बारे में, और हमने जाना कि क्या उद्देश्य है पार्टी के और आगे भविष्य में इसका क्या है उद्देश्य। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। सर, आपने आपका समय दिया इतना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता स्वागत हूँ, है। और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा काम आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगता है तो उसको शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।